स्वाहा।
ओम सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समर्पते जयत्राहि नो देवी त्रिवेदी नमस्ते स्वाहा। ओम शरणागतनाथ परित्राणकरणे सर्वस्यार्जुन देवी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वावदा प्रसन्नं गुरुलोकेश अखिलेश्वरी एकविंशयाकारे अस्मद देवी निरासुरं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुण्डारुच्यो स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टा नाम पातम मुखम परम स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टा नाम पातम मुखम परम स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टा नाम पातम मुखम परम स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टा नाम पातम मुखम परम स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टानां पातं मुखं परं स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टानां पातं मुखं परं स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं भगवान के सर्वदुष्टानां पातं मुखं परं स्तुभ्य बुद्धिं केन बुद्धि विनाश हरिं ओम स्वाहा। ओम हरिं सबसे पहले
दीपक कौर जी जो हमारी वरिष्ठ नेता है, बॉय है हमारी, वो भी आ गई है, वो भी घर पे हो पा रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ में बड़े भैया विजेंद्र यादव जी हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीपक अगर सिंह भैया जी है और हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी है और हमारे वरिष्ठ साथी लोग हैं। हमारे जनता है और पूरा गाजियाबाद शहर का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। निवेदन मेरा ये है, सबसे पहले बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप सब लोग सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम को आप अटल जी को सुन पाएंगे और अटल जी की फ्लाइट है, तो इसलिए मेरा निवेदन है होश पर जाकर सब लोग पार्टी के वीरेंद्र यादव जी है जो महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, सभी का स्वागत है। जितने हमारे वरिष्ठ हमारे सामने बैठे हुए हैं उन सभी का स्वागत है। अब हमारे विषय में पहले अपने बोलने से पहले श्री नरेंद्र त्यागी जी जो पूर्व मंत्री है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आगे जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी और हम सबकी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती गौरी शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई फैजल हुसैन साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय धर्मवीर डवाजी, रमेश प्रजापति जी, राज देवी चौधरी जी, मधु चौधरी जी, दिनेश सागर जी, रविंदर जी, मनोज जी, विक्की ठाकुर जी, अंशु ठाकुर जी, सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई नवनीत, भाई दिलीप त्यागी जी, भाई विजय चौधरी जी, सभी सम्मानित कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आप पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति और नौजवान बंधुओं, यह चुनाव जो आप 2024 लोकसभा का होने जा रहा है देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और यह पंचायत का चुनाव आप जीतने जा रहे हैं। सिर्फ आपको लक्ष्य लगना है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो कहती थी गाजियाबाद गढ़ है, आज इस गढ़ में प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री योगी को खुद आना पड़ रहा है कि गौरी शर्मा तुम्हारी भाई को मुझे जीतने जा रही है। संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, आने वाली नस्लें आपको ये नहीं कर पाए जब देश जल रहा था तो आप कहां पर थे, इसलिए आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस लोकतंत्र की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, गौरी शर्मा का साथ दीजिए, मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ गौरी शर्मा आपकी आवाज को और गाजियाबाद उन सभी का स्वागत है फैजल से। इसके पश्चात में फैजल हुसैन जी जिला समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आज इस चुनावी जनसभा में, आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी का सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के संगठन की ओर से और कांग्रेस के संगठन की ओर से इस्तकबाल करता हूँ और तमाम मीडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ आज तमाम साथियों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का। साथियों, हमारे बीच समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी नितिन त्यागी जी, संजीव चौधरी जी, दिनेश भाई, रविंद्र यादव जी, रणवीर डवाल जी, रमेश प्रजापति जी, सरदार अवतार सिंह जी, ठाकुर विक्की सिंह जी, राजदेवी चौधरी जी, राहुल चौधरी जी, दीपक सिंह जी, निशान कसार, इमरान रिजवान और तमाम मेरे
हारून चौधरी जी, अब्बास चौधरी जी, सरवन त्यागी जी, असलम कुरैशी जी, आशोक पासी जी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका नाम लेने से मैं नहीं बता जाऊंगा। उनसे पहले ही क्षमा चाहता हूं और अपनी बात को सूक्ष्म में रखने के लिए मुझे समय दिया गया है, क्योंकि अध्यक्ष जी के पास बहुत कीमती समय है, उन्हें आगे भी जाना है। साथियों, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कर रही है, दो बातों में अपनी बात को समाप्त करने की बात चाहिए। हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना है, उखाड़ फेंकना है, यही हमारा संकल्प होगा। अपनी मेहनत, हिम्मत, ताकत सब लगा दो, समय बहुत कम है, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। साथियों, आज का माहौल आपको दिख रहा होगा, आज से पहले ये लोग सीना ठोक के कहते थे कि काल से बाद हमारा गढ़ है, लेकिन इस बार इस गढ़ की चूल्हे हिल चुकी हैं। ये आप आने वाले 26 तारीख को देखेंगे कि जिस मार्जिन से ये लोग जीत के जाते थे उस मार्जिन से इस बार ये हार के जाएंगे। लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। उस लड़ाई में एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है, साथियों, अगर ये देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे पूरे सैनिकों का हमको समर्थन है, जो आपके हित में विचार रखेंगे। और इस तरीके से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी दो दो मिनट में आज के लिए, क्योंकि अध्यक्ष जी की फ्लाइट है, तो मैं निवेदन है गठबंधन की प्रत्याशी अश्विनी शर्मा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राय जी, हम उनका समर्थन करते हैं। हमारा सरकारी उत्तराधिकारी संगठन अश्विनी शर्मा जी अपना समर्थन देता है। और एक बात आपके बीच में अजय राय जी है, अजय राय जी वो है जो हर बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे बीच में सतीश मंत्री जी से, आम आदमी पार्टी के एक वक्ता कोई भी हमारे बीच में, जो सत्येंद्र देव जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बापू से खोलकर गजराज सिंह जी हमारे बीच में, उनका भी हो रखा था। देखिए, मेरा मतलब ये है वो भी मंच पे आ जाए, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सब लोग। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी सांसदों का, सम्मानित सभी बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ये लड़ाई खाली एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है। क्योंकि हमारे जिला के डॉक्टर सचिन शर्मा ने मुझे रिप्रेजेंट किया है बोलने के लिए, मैं उनकी तरफ से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में कोई भी भागेगा नहीं, हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। जिस तरीके से भारत में आज तानाशाही का माहौल है, उस तानाशाही को खत्म करने का समय आ गया है और हम अपनी इस तानाशाही को खत्म करने के लिए वोट की चोट देंगे। बोली शर्मा जी को देने वाला हूँ। मेरे पास में पीछे काफी लोग बड़े विवरिष्ठ आए हुए हैं, गजराज सिंह जी आए हुए हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, लेकिन बीच में हम रहेंगे। रमेश जी हमारे समाजवादी पार्टी के, बीच में सतीश मंत्री जी, सत्येंद्र यादव जी हैं, नाहर सिंह यादव जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं। तो अगर कोई नाम रह गया तो उसको आप बोल दो, लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि कुछ ही दो या तीन दिन के अंदर हमारे जितना भी लोनी में क्षेत्र है, मैं जैसे की पार्टी ने विश्वास जता करके अध्यक्ष जी ने जिम्मेवारी दी है, राहुल गांधी ने जिम्मेवारी दी है, आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रधान जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं और त्यागी समाज के बहुत सारे लोग खड़े हैं, हाथ उठा करके टेलीविजन को समर्थन दीजिए, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, तो अभी इसके बाद में दोनों सर
इसके बाद क्योंकि दर्जी भी फ्लाइट है तो मैं रोहित शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपना अपना विचार रहे हैं। आनंद जी के विधानसभा अध्यक्ष है, वो अपने साथियों के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे और लोग हैं। व्यापार मंडल और ये व्यापार मंडल के हमारे हैं वैशाली जी, वो सब आपको अपने संगठन के साथ मतलब जो साथी लोग हम साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो जोरदार ताली उन सभी भाइयों के नाम है। जोरदार तालियां, बहुत मजबूत वोट बैंक उनका उत्तराखंड भाइयों का है। हेलो हेलो, अब इसके बाद में जयंत शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भारतीय त्यागी जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है महिला की, उनका भी यहाँ पर स्वागत है, सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत है। दीपा खोल जी का मैं पहले ही हमारी वरिष्ठ है। राजदेवी चौधरी जी प्रदेश पदाधिकारी है समाजवादी पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए बहुत ही मेरे बड़े भाई काशी के शेर, जिन पर भगवान भोलेनाथ महादेव शंकर शंभू की असीम कृपा रहती है, जो इस देश के प्रधानमंत्री को टक्कर देने का मादा रखते हैं, वो हमारे बीच में है। अजय राय जी मेरे बड़े भाई, बहुत बहुत स्वागत है गाजियाबाद में आने का और अपनी छोटी बहन को ताकत देने का। अजय राय राहुल गांधी, अजय राय राहुल गांधी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखिए मेरी बहुत ही वरिष्ठ, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मेरी माँ दीपा कौल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद देती है। देखिए यहाँ सभी मेरे बड़े वरिष्ठ बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक एक व्यक्ति जिनके सामने मैं पली हूँ बड़ी हुई हूँ, आप सबके बीच में इतना कहना चाहती हूँ, चुनाव हार के भी आपके बीच में थी और लगातार काम करती रही, चाहे भोड़ा के पानी की समस्या हो, चाहे लोनी के बाढ़ की बात हो, चाहे करेड़ा की बाढ़ हो, चाहे कोरोना में दिन रात अपनी टीमों के साथ लगातार काम करने की बात हो, जब ये व्यक्ति जो सामने लड़ रहा है उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे और हम कांग्रेसी किसी पद पर नहीं थे, नाम आई सरकार थी, तब भी हमने एकजुट होकर दिन रात दवाई इंजेक्शन बेड हर चीज का ऑक्सीजन का इंतजाम किया। ये कांग्रेसियों का दम है कि जब तत्कालीन सांसद फेल हो चुके थे और कांग्रेस बैठ दिलवाने में सफल हुई थी एक एक आदमी को, तो जब आप ये मोदी जी काम कर रहे थे उसकी लड़ाई उसका संघर्ष हमने लगातार लड़ा और सीएल को पिकने से बचाया। मुद्दे बहुत है, मैं आपको गिना सकती हूँ बहुत सारे जो हमने लगातार काम किए, लेकिन आज दिल्ली मेट्रो वाला भी बताना, और दिल्ली मेट्रो जब युवाओं को बहुत टाइम आएगा बताने, जब युवाओं को दिल्ली मेट्रो का मेरे गाजियाबाद के किराया भरना पड़ रहा था, तो हमने वो लड़ाई मेरे भाई सचिन सिद्धार्थ के साथ लड़के दिल्ली मेट्रो का पास दिलाने का काम हमने किया अपने बच्चों को गाजियाबाद के। तो आप सोचिए जब सत्ता में ना रहते हुए हम आपके सेवक इतना काम कर सकते हैं, तो जब आप सत्ता में लाकर हमें खड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए इंडिया गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है, सामने वाले प्रत्याशी जगह जगह पिट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ये आपके सामने वो स्वतंत्रता की उस अनजान लड़ाई को भी जानता है और आज इस लोकतंत्र की लड़ाई को भी जानता है। आप सबसे मेरा विनम्र विनती है, अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति गौली शर्मा बनकर इस लड़ाई को लड़े। देखिए मेरे हाथ मजबूत नहीं, मेरा नेता जो सड़क पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है और जो मणिपुर से मुंबई तक चल रहा है, उसके लिए जो जाना चाहिए उस इंसान के लिए, उसकी लड़ाई में मेरी बहन जिनका
आशीर्वाद मुझ पे रहता है हमेशा। रात में 2 बजे अगर कह दूं, मैं 12 बजे कह दूं, आज तक उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। मेरी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी, उन्होंने जो लड़ाई और संघर्ष उत्तर प्रदेश में किया है, आज उसका जवाब देने का। और हमारे बड़े भाई मैं पहले कह चुकी हूँ, शेर जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर पद यात्रा करके जिले जिले जाकर बता दिया कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, खड़ी है उनके नेतृत्व में। आज सबको ताकत देने का समय आ गया है। आज सबकी उस लड़ाई में एक एक व्यक्ति जब उस हवन में आहुति देगा तो इस बीजेपी को भगाने का ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई, जिन्होंने युवाओं को और जिन्होंने ऐसे ऐसे हाईवे और इस गाजियाबाद को एलिवेटेड रोड और मेट्रो देने का काम किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल जो हमारे बगल में दिल्ली में रोज लड़ाई लड़ते हैं, आज जेल में है इस तानाशाह सरकार के चक्कर में। आज मेरे आम आदमी पार्टी के भाई सभी लगे हैं, संजय सिंह जी आज जेल से बाहर आ गए हैं और उनका हमारे साथ आज जो साथ हमें मिल रहा है और वो लगातार मुझसे कह रहे हैं डॉली जहाँ जहाँ जरूरत है मैं जाऊँगा तुम्हारे लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस लड़ाई में हमें अपने नेता का साथ देना, इस हवन में इस हवन के अग्निकुंड में आहुति देनी है। मैं अपनी बहन का साथ दीजिए, वो साथ राहुल गांधी का हो, वो साथ अजय राय का होगा, वो साथ प्रियंका गांधी का होगा, वो हमारा साथ हमारे बड़े भाई अखिलेश यादव जी का होगा, वो साथ अरविंद केजरीवाल जी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 26 तारीख को आप हाथ के पंजे का बटन लगाएं और दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे बड़े भाई काशी के शेर और तानाशाह को टक्कर देने वाले अजय राय जी, जिन्होंने ये मुहिम उठाई है कि यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकना है, उनको मैं आपके सामने मेरे बड़े भाई संबोधित करेंगे। आज मैं गाजियाबाद को औद्योगिक नगरी और इस जहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को राजस्व जाता है, ऐसी जगह पर मुझे इस लोकसभा में आने का अवसर मिला। ये आपकी कांग्रेस प्रत्याशी जो लगातार आपके बीच में रहकर आपकी सेवाएं कर रही है, जैसा इन्होंने बोला और मैं इनको जानता हूँ कि चाहे कोई स्थिति रही हो, चाहे किसी परिस्थिति में रही हो, चुनाव हारा, चाहे परिवार का एक नौजवान साथी इनका भाई चला गया, उसके बाद भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आपकी सेवा के लिए निरंतर ये लगी रही, तो ऐसे लोगों को चुनकर यहाँ से भेजिए। और इसमें सबसे बड़ी ताकत इस बार, पिछली बार तो अकेले कांग्रेस के सिंबल पर लड़ी थी, इस बार ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआई सीपीआईएमएल और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टी आरजेडी से लेकर सभी दलों का पूरा सहयोग और समर्थन है इनको। तो निश्चित इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतना चाहिए, जनता बचना चाहिए। हमारे शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष चौधरी जी, त्यागी जी, हमारे हुसैन साहब, फैसल जी, वीरेंद्र यादव जी, बीजेपी के महासचिव हैं हमारे संगीता त्यागी जी जो अभी अध्यक्ष हुई हैं, और सोनल त्यागी जी, और हमारे यहाँ पर प्रदेश की अध्यक्ष माता तुम्हें कौन सा मैडम खड़ी है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहने आया हूँ, और मीडिया तो भाई है ही हमारे साथ, इनके साथ तो मेरा जोली रमन का साथ है काशी से लेकर दिल्ली तक। तो ये आज मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि जो 26 तारीख को जो यहाँ पर आप अपनी ताकत देंगे,
जो 26 तारीख को गाजियाबाद के अंदर, सुन लो भैया एक बार, चुप रहिए जरा, जो 26 तारीख को जो डॉली शर्मा को आप आशीर्वाद दोगे, तो आशीर्वाद केवल डॉली शर्मा का नहीं होगा, आप 26 तारीख को बटन यहाँ दबाओगे इंडिया गठबंधन, हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक जून बनारस में मोदी की खटिया खड़ी कर देंगे। जो संदेश गाजियाबाद से बनारस जाएगा और वो निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर, मैं अकेले लड़ा था पिछली बार मोदी से, 1.5 लाख वोट से ज्यादा लेकर आया था कांग्रेस के सिंबल पर, इस बार तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बीजेपी के भाई हैं, इंडिया का गठबंधन है। इस बार बनारस की लड़ाई 4 लाख से शुरू होगी, उसके बाद वाले लोग हैं जेल में डाल दोगे, हरा दोगे, कुछ भी करोगे, हमारे घर गिरा दोगे, पर हमारे इरादे को नहीं गिरा सकते हमारे लड़ने वाले लोग। तो यही आप सबसे विनती आग्रह निवेदन करने आया हूँ आपसे भाइयों की पूरी ताकत के साथ 26 को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर डॉली शर्मा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताओ, उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो संदेश जाएगा कि गठबंधन और डॉली शर्मा के साथ खड़े। आप देख सकते हो कि यहाँ के प्रत्याशियों को किस तरीके से जनता भगा रही है, माले तार दे रही है और गाड़ियों पर ईंटे पत्थर चल रहे मंत्रियों के, इसका मतलब कि जनता खुश नहीं है। जबरदस्ती चुनाव लेना रास्ते, आप देखिए रास्ते भी, मैं भी आ रहा था, हर जगह बैरिकेड लगा दिया, हर जगह इन्होंने बैरिकेड लगाकर रास्ते रोके हैं ताकि वो लोग कांग्रेस के कार्यालय उद्घाटन में डॉली शर्मा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के इस बैरिकेडिंग, नरेंद्र जागी जी थे साथ में, सब लोग मिलकर इन लोगों ने बैरिकेड वहां से हटवाया। तो ये निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से घबराहट है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कल है तो आज रास्ता बंद करने की क्या जरूरत है भाई, कभी ऐसे हुआ है? एक दिन पहले रास्ता बंद कर तो कभी हुआ है? मीडिया के भाई आप सब लोग बताओ, इसके पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा है, एक दिन पहले क्यों बंद किया गया? इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका जवाब जनता 26 तारीख को देगी अपने वोट की ताकत। मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे झूठे मक्कार लोगों को चुनाव यहाँ से हरा कर भेजो, तभी यह संदेश पूरे प्रदेश देश में आएगा और हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेंगे। मैं कभी पीछे हटूंगा, मेरा आशीर्वाद डॉली शर्मा के साथ है, आगे बढ़े, जीते। आप सब लोग इसको बिटिया के रूप में, घर की एक बहू के रूप में, बेटे एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में चुनाव जिताइए, यही आपसे आग्रह निवेदन है। इस स्थिति में एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मुझे निभाना है, दूसरी तरफ कैंडिडेट इस संदेश के रूप में भी खड़ा कर दिया है, तो दोनों दायित्व निभाना है और आप सब के बीच में आया हूँ, समय निकालकर अभी दो कार्यक्रम मेरे लगे हैं, वहाँ पर भी मुझे जाना है बनारस में, तो मेरी शुभकामनाएं और पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहने का मैं वचन देकर जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय इंडिया गठबंधन। प्रदेशवासियों बन गए हैं तो 12 बजे के यहाँ के बाद आप जब चाय पानी की व्यवस्था कर लेंगे, चार पानी लेने के बाद आप लोग सब जिला कार्यालय कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है? सब भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ, विचार रखें। सम्मानित साथियों, इतिहास का जो हमारा उद्देश्य है, मैं अपनी बात करूँ
समय कैसा है आपके अंदर कोई सुनने के मूड में कोई नहीं है। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि चाहे बेरोजगारी की बात हो या किसी की सुनने पड़ने की बात हो और चाहे जो एक शहर के लोग हैं जिनके पास ना जमीन है ना जायदाद है ना नौकरी है ना हिस्सेदारी है, ये जो गैर बराबरी और जो अहम क्षमता है अगर किसी ने दूर करने का काम किया तो वे लोग थे जो सुस्ती और समाजवादी विचारधारा के लोग थे। मैं इतना कहना मेरा इशारा समझ गए होंगे, मैं लंबी बात ना करते हुए एक शेर के माध्यम से इशारा करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सभी सुखी गरीब नेता बैठे हैं कि जलते घर को देखने वालों का छत पर है और आपके पीछे तेज हवा है बाकी उपकर आपका है मेरे एक रुपये तुम भी चुको और तुम्हारे एक रुपये मैं भी चुको। अगला नंबर मेरी बेटी आपका है इसलिए आने वाली सब नेता है आप घर घर जाइए अपने समाज के बीच जाइए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और वो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप धोनी जी स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में बैठ चल रहा है धोनी जी आप गाजियाबाद से चुनाव लड़ रही है दूसरा तुम कैसे जोड़ पाएंगी लोगों को लोग जुड़े पड़े हैं भाजपा के प्रत्याशी पिछड़े ऐसी काला रहता हूँ वहाँ सुंदर मुश्किल आज गाजियाबाद के अंदर रोहित शर्मा का ये बिजनेस का कार्यालय है जिसके अंदर बहुत स्वागत हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ जिसमें अजय राज जी हमारे यहाँ पहुंचे थे और देखते हैं आगामी 26 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी या बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हमारे भाई सचिन जी हैं एडवोकेट हैं और गाजियाबाद के महानगर जिला सचिव हैं अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति से मैं अभी आपसे इनकी मुलाकात कराता हूँ। अजय जी जय भीम जी आज आप जिला गाजियाबाद को देख रहे हैं महानगर अध्यक्ष हैं आप तो पीडीए कैसे चलेगा? देखिए पीडीए का जो मूवमेंट है जी और जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आओ इंडिया गठबंधन बना है और जो देश के तमाम बड़े नेता जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय सोनिया गांधी जी बहन प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं उनको जो एकजुट होकर और बीजेपी का जो एजेंडा है जो देश में फर्जीवाड़ा जिन लोगों ने चलाया हुआ है राजनीति के नाम पर समाज सेवा के नाम पर ईडी के नाम पर डरा धमका कर लोगों को नेताओं को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा आम आदमी पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद से कैसे सीट निकालेंगे भाजपा का गढ़ है ये गाजियाबाद बताइए। देखिए गढ़ किसी का कभी नहीं हुआ गढ़ रावण का भी लंका माना जाता था
ये गढ़ बड़े बड़े जो धुरंधर उनके भी माने जाते थे, लेकिन एक काल ऐसे भी आया और यहाँ से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी। ये अतुल गर्ग जी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, केवल मोदी और योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका स्वास्थ्य मंत्री का जो कार्यकाल था उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने जो कोरोना काल में लोगों को तड़पने और मरने के लिए छोड़ दिया, ऑक्सीजन की कमी ऐसी हुई कि उसकी पूर्ति नहीं कर पाए, अपने मोबाइल फोन बंद करके बैठ गए। उस समय जो एक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं श्रीमती डोली शर्मा बहन जी, वो लोगों के बीच में रही। और एक किस्सा और मैं आपको याद दिला दूँ, 2018 का जब हमारा एक संगठन हम चलाते हैं छात्रों का फ्यूचर ऑफ इंडिया नाम का, जब हमने उस संगठन के जरिए दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% किराए की छूट की मांगी, उस समय बहन डोली शर्मा जी वो पहली सबसे बड़ी नेता थी हमारे वहाँ पर जो उस मूवमेंट में पहुंची थी, और जब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं हुआ हमारे साथ डटी रही। और उस के बाद में 29 लाख वोट है, 20 दिन है आपके पास चुनाव लड़ने। देखिए दिन हम समझते हैं कम है, लेकिन जो पूरी कांग्रेस और आपकी आम आदमी पार्टी और आपके समाजवादी पार्टी की टीम बढ़ चुकी है और उनको कार्य सौंप दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, और कम समय में भी हम अच्छा रिजल्ट और डोली शर्मा को यहाँ से जिताकर भेजने का संकल्प ले चुके हैं और जिताएं। सर जय कांग्रेस जय गठबंधन। आप जी आप कौन से पद में साहब? मैं ऐसी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष हैं। जी जी, आज सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं आप, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और आपका नाम क्या सर? मेरा नाम राजवीर सिंह गौतम है। जी जी, मैं समाजवादी ऐसी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष गाजियाबाद हूँ, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ गठबंधन को कि जाटव समाज ऐसी समाज 100% डोली शर्मा के साथ है। वाल्मीकि समाज तो उसमें जा रहा है बीजेपी के अंदर, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, जितना ऐसी समाज है अब वो तो सारा बीजेपी में जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ये। जी वहाँ पर ये भ्रम फैला रखा कि वो ऐसी जमा वहाँ जा रहा है, ऐसी समाज गठबंधन के साथ है, हर समाज गठबंधन के साथ है और गठबंधन यहाँ से जीतेगा। अखिलेश जी में आस्था रखते हैं, राहुल जी में आस्था रखते हैं, केजरीवाल जी में आस्था रखते हैं, इसलिए यहाँ सब साथ है। आप सब लोग जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, और देहात के अंदर गाँव के अंदर लोगों में मीटिंग समाजवादी की विचारधारा पहुँचाने में कोई कार्य दिखाते हैं? नहीं, घर घर जा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं। हमारी यात्रा है वो यहाँ से प्रथम चरण की समाप्त हो गई है एक महीना पहले, और उससे बहुत सारे लोगों को जो है ना संदेश पहुँच चुका है, और दोबारा उसी यात्रा का संदेश हम लोग पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। गाँव गाँव में पीडीओ के प्रोग्राम होते रहे हैं समाजवादी तरफ से, और यात्रा हर जिले में होकर के निकली है वो पीडीओ के माध्यम से गठबंधन के साथ है। साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजवीर जी जी दरोगा जी रहे हैं, रिटायरमेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांग्रेस। जी जी लक्ष्मण जी, आप गाजियाबाद से हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों करें? देश में जो व्यवस्था बीजेपी ने कर रखी है उसको ख़त्म करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को कामयाब करने के लिए आने वाली इस लोकसभा में बढ़ चढ़ के जाटव समाज जो है वो गठबंधन को वोट देने का काम करेगा, जिससे कि संविधान बच सके। अब आप एक बात बताइए, ये गाजियाबाद की जो हॉट सीट है, बहुत हॉट सीट है, और तीन तीन व्यक्ति खड़े हैं और तीनों जनरल खड़े हैं, ठीक है जी, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है और बनिए भी हैं। अब हमें ये बताइए संविधान को कैसे बचाएंगे? हमारा मानना ये है, जो गठबंधन में पहले अलग अलग सब लड़ते थे, अब गठबंधन में तीन पार्टियां तो मुख्य है ही जी जी। और अदर पार्टियां भी हैं। हाँ। जो मतलब जो है गठबंधन को वोट देके इसको डाली शर्मा को जिताने का काम करेंगे, और अब की बात इनका भ्रम टूट जाएगा इस गाजियाबाद से, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था अब गढ़ खत्म हो जाएगा, और यहाँ से गठबंधन की डोली शर्मा जीत कर जाएंगी लोकसभा में। बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ दिया आपने? आप तो वरिष्ठ नेता रहे हैं उनके। अब देखो ये तो जो है समय समय की बात है, ये परिवर्तन होता रहता है, और हमें तो जो है बाबा साहब का मिशन कामयाब करना है, वो बचाना है संविधान, तो संविधान बचाने के लिए गठबंधन का हम साथ देके जाटव समाज के लोगों को जोड़ जोड़ के और जो है लोकसभा में पूरी भेजने का काम करेंगे। क्या
नाम है सर आपका? राहुल चौहान वाल्मीकि नाम है मेरा, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारत से। जिलाध्यक्ष गाजियाबाद से, SC ST प्रकोष्ठ के? नगर निगम से, सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर हूँ। अब ये बताइए, डोली शर्मा पहले भी चुनाव लड़ी हैं, अब भी चुनाव लड़ रही हैं, तो किस तरीके से हम उसे बहुमत से गठबंधन से जिता कर भेजेंगे? देखिए, पहले जो हमको गुमराह किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है हमारे समाज में, समाज के जो उसमें शामिल है, वो रूमर फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते तो गठबंधन में आज डोली शर्मा जी को नहीं लड़ा देते। आज हमारे प्रत्याशी डोली शर्मा जी भारी मतों से जीतने जा रही हैं, उसका आप देख सकते हैं परिणाम कि रोड बंद कर दिए गए हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन ये थिएटर, ये जुमलेबाजों की सरकार, ये अब की बार ये जनता जो गाजियाबाद की जनता को ठुकराने जा रही है, ये माफ़ होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 10 साल हो गए इसे, और सबसे ज्यादा दो समाज टारगेट करे गए हैं इसमें, एक तो SC समाज और एक मुस्लिम समाज, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको कोई टारगेट नहीं है, ये जो है जो मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, जुमलेबाजी है ये सब, और जुमलेबाजी, झूठ बोल करके किसी का वोट पाना, ये कहाँ का वो है? ये संविधान पे प्रहार है, संविधान को बचाना, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा, संविधान को बचाना, संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, ये जातिवाद, जाति को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम से वोट लेने का काम कर रहे हैं, जो हरगिज़ हरगिज़ गाजियाबाद की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इनका लक्ष्य चल रहा है कि 47 तक हम संविधान बदल देंगे, ऐसा हो पाएगा? नहीं, संविधान को नहीं, संविधान का ये तो इनका बस नहीं चलता, ये तो पता नहीं क्या क्या करते, ये कहते बड़ी बड़ी बातें कहते, लेकिन एक भी बात पे कहाँ खड़े उतरे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ खड़े उतरे, बताइए आप। और SC ST एक्ट जो इन्होंने करा था वो देश के लिए अच्छा था बुरा था? ये तो इसमें बंटवारा करने का काम किया है, देखो इसमें कोई ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसमें ये जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये बांटने सिर्फ और सिर्फ अंदर बांट करने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ गलत रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं। 26 को डोली जी को विजय बनाएंगे? बिल्कुल, डोली शर्मा जीत रही है, 100% जीत रही है, और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और डोली शर्मा को 26 तारीख को जिताने का। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चौधरी साहब, देखिए, देश के रक्षा मंत्री जो है यहाँ आके सवाल लगाते हैं, इसके अलावा कल को जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कितने मंत्री यहाँ आएंगे उनके साथ में, क्या आपके कमरे में कुछ ऐसे हैं जिसमें कहीं हमारे बड़े नेता आएंगे? हम आपको सूचना देंगे, क्या लगता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है गाजियाबाद का दौरा कर रहे हैं आपको जी के लिए, क्या उनको खतरा है गाजियाबाद में चले जाने का? भाई, आप स्वाभाविक है, समझ सकते हैं, क्योंकि जिस सीट पर कभी प्रधानमंत्री नहीं आए उन्हें लाना पड़ रहा शुरुआती दौर में भी चुनाव के, तो भारतीय जनता पार्टी की थीम में कितनी घबराहट है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमारी प्रत्याशी ने नामांकन करा था और प्रदेश आए और उनमें घबराहट पैदा होगी और अतुल कर दीजिए विधायक रहे हैं। नमस्कार, मैं साहब गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विनीत त्यागी जी हैं, जो पूर्व जिला पंचायत लड़े हैं और आमने सामने भी हैं। भाई, नाम आप शुरू से लीजिए ना, नाम ही आप जब विनीत त्यागी मोटा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद। अजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है सम्मान एक अधिकार में आपका, और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि डोली शर्मा को आप चुनाव लड़ा रहे हैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो आप खुद देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख कि जनता में जाकर के अपनी जान बचा के भाग रहे हैं ये लोग, इन लोगों पर पब्लिक जो है वो अटैक करने का काम कर रही है। ये वहाँ से आपने देखा होगा, अभी प्रोटेक्ट के सामने जो घटना हुई पलखवा के पास में, वहाँ क्या आलम हुआ, तो जगह जगह खुद अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, तो आपको ये जो आलम चल रहा है जनता के बीच में वो दिखाई दे रहा है कि भाग रहे हैं। तो युवाओं को कैसे जोड़ पाएंगे? बहुत सारी चीज़ है,
लिए वो सफल बना पाएंगे हम नहीं। देखिए पहली बात तो हम हमेशा युवाओं की राजनीति की है और मैंने आपने देखा होगा एनएसयू जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, उससे पहले महानगर अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस रहा और जिला पंचायत लड़ा तो युवा का बहुत बड़ा पूरा जिला गाजियाबाद में बहुत लंबे समय साथ में रहे। इसके अंदर ज्यादातर अभी तक का रिकॉर्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देखिए रिकॉर्ड जब होते हैं जनता का विश्वास जहाँ होता है, यहाँ पर अभी तक का आप कह सकते 2004 से लेकर के 9 तक कौन एमपी रहा, गोयल साहब एमपी रहे, उससे पहले लोग बीजेपी ने रहे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये गलतफहमी है, ये बीजेपी की झूठी बातें हैं कि भाई बीजेपी कई चीज़ें रही हैं या कांग्रेस की सीट भी रही है। और अब जो आप देख रहे होंगे कि इस समय समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का हमारे साथ समर्थन है, बैठ जाओ आप, ब्राह्मण समाज ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में, त्यागी समाज ज्यादातर, क्योंकि हम लोग गाजियाबाद से आते हैं, हम सभी लोग गाजियाबाद आते हैं और ये और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एससी माइनॉरिटी अच्छा गठबंधन पर कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए जहाँ तक बात है आपकी ब्राह्मण समाज के मामले की, तो डोली शर्मा खुद एक चेहरा ब्राह्मण समाज से है। हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि त्यागी जिलाध्यक्ष बनाया है तो ये दोनों तीनों और भूमिहार या 1,25,000 वोट है तो तीनों समाज एक ही समाज कहा जाता है, तो तीनों समाज एक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी साथ साथ कांग्रेस पार्टी के हर कम्युनिटी में वर्कर है, जात बरादरी की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, सेकुलर पार्टी है। तो आप देखेंगे हमारा वोट दलित समाज में भी है और जो बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है दोबारा बदला है पुंडीर को, इससे बसपा का जो वोट बैंक है उसमें भी हलचल हो गई है कि उन्हें पता है वो ज़्यादातर वोट बैंक जो है बसपा का भी वोटर जो है वो कांग्रेस को वोट कर रहा है, उसे पता है कि चुनाव जो है बीजेपी ने कहीं ना कहीं मायावती जी को दबाव में किया हुआ है, इसलिए उस दबाव को उतारने के लिए बसपा का वोटर भी कांग्रेस साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए आपका, और हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं गाजियाबाद से हैं, देखते हैं आप इनके कंधों पर डोली शर्मा की हैं कैसे जो है हमारी।